हाय एवरीवन, मैं हूँ प्रियंका और आप सभी देख रहे हैं मसालेदार मम्मीज किचन। गाइस, आज हम बनाने वाले हैं गाजर का हलवा। गाजर का हलवा हमारा बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट बन के तैयार होगा। और गाजर का हलवा बनाने के लिए सबसे पहले मैंने गाजर ले लिया है। गाजर को अच्छी तरह से हम धो लेंगे, उसके छिलके निकाल देंगे और फिर इसको कद्दूकस हम करेंगे। मैंने गाजर को कद्दूकस कर लिया है। अब मैंने गैस ऑन किया है। गैस ऑन करके अब पैन चढ़ाएंगे। अब इसमें हम डाल देंगे 3 चम्मच देसी घी। देसी घी को हम मेल्ट होने देते हैं। फिर हम इसमें डाल देंगे अपना कद्दूकस किया हुआ गाजर। इन सबको हम मिक्स कर लेंगे और फिर थोड़ी देर ढक के पकाएंगे। 10 से 12 मिनट लगता है इसको पकने में। ये पक चुका है गाजर हमारा। अब इसमें हम डाल देंगे चीनी। चीनी को भी मिक्स कर लेंगे गाजर में। थोड़ी देर इसको भी ढक के पकाएंगे। मैंने एक पैन चढ़ाया है। पैन पे मैंने डाल दिया है मावा। मावा मैंने 200 ग्राम लिया है। मावे को थोड़ा हम भूनेंगे। जब भून के हम मावा डालेंगे तो इसमें बहुत ही अच्छा स्वाद आता है हलवे में। मावा हमारा भून चुका है। तब तक हम इसमें 1 गिलास दूध डाल देंगे। दूध डाल के इसको गाढ़ा होने तक पकाएंगे। पक चुका है, मैं इसमें मावा भी डाल देती हूँ। मावे को मिक्स कर लेंगे। इसमें मैंने इलायची पाउडर डाला है 1 चम्मच और कटे हुए ड्राई फ्रूट डाले हैं। इन सबको मिक्स कर लेंगे। हमारा हलवा बनकर तैयार हो गया है। इसको हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। मैंने सारे हलवे को निकाल लिया है। अब इसको हम थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे ड्राई फ्रूट से। इसी तरह से हम डेकोरेट कर लेंगे। आप इसको और तरह से डेकोरेट कर सकते हैं। गाइज, आप हमारे चैनल पे आएँ तो आप हमें सब्सक्राइब कर दें, लाइक भी करें, कमेंट भी करें अपने अनुभव को। और तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। गाइज, फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ, नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद गाइज़।